Hello students, module start करते हैं आपका program from 10th foundation physics. Student 8 9 में आपने magnetism पढ़ा हुआ है. What is magnet? What is magnetism? What is bar magnet? North pole, south pole, डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग. आज मेरा मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट. फिर भी बेसिकली बार मैग्नेट डिस्कस करते हैं. आपको मालूम है कि मटेरियल विच वन अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, दैट इज आयरन फाइल्स कलर मैग्नेट. और कोई मैग्नेट है आपके पास, मैग्नेटिक मटेरियल है, और उसका एक रेक्टेंगुलर पीस आप कट करते हैं अलॉन्ग द लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग बार मैग्नेट. बार मैग्नेट बता दिया था आपको व्हाट इज बाय बार माइक्रो कलर बार मैग्नेट वगैरह वगैरह. तो मेरे पास बार मैग्नेट है. और हमको पता है कि इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल एट द टू एंड्स समवॉट इनसाइड, और ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट को अगर आप सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो उसका वन पोल अर्थात दिस एंड always pointing toward the geographical north, therefore called as north pole, and the pole pointing always toward the geographical south, therefore called as south pole. पता है, मतलब इसको freely suspend करो तो ये always ऐसे position पे होता है. इसका एक pole pointing toward the geographical north उसको हम north pole बोलते हैं, और पोल pointing toward the geographical south called as south pole. हम सबको पता है कि ये बार मैग्नेट. और लेबोरेटरी में हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल होती है, अब जिसको कंपास भी बोलते हैं, वो भी एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है. इस शेप में आप उसको शो करते हैं. इसको भी सस्पेंड किया थ्रीली. अब सस्पेंड करने के बजाय उसको आप पिवोट करते हैं किसी स्प्रिंग पे, समझा? तो उसका भी एक एंड ऑलवेज पॉइंट आउट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, तो होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड बोलते हैं, और ये पॉइंट करता है टूवर्ड ज्योग्राफिकल साउथ, तो उसको साउथ पोल साउथ एंड. और मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास आपके पास है उसको रख दो तो ऑलवेज जैसे पोजिशन पर होता है. उसको आप डिफ्लेक्ट करो, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोबारा नॉर्थ पोल ज्योग्राफी नॉर्थ की तरफ शो करेगा. जो होता है मैग्नेटिक नीडल, और जिसको आप कंपास बोलते हैं, ध्यान रखो. और ये मेरा बार मैग्नेट. अब कोई भी बार मैग्नेट है, यही मैग्नेटिक नीडल होगा, उसके सराउंडिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है. आपको पता है कोई मास होता है तो उसके सराउंडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, कोई चार्ज होता है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कोई मैग्नेट आपके पास है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. अर्थात आपको पता है 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे द रीजन सराउंडिंग इन विच इन्फ्लुएंस देयर कॉलेज फील्ड. मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जिसके अंदर उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. किस टाइप में होता है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा देखना है. मैंने क्या कहा, कोई यूनिट नॉर्थ पोल, क्या बोला बेटा, यूनिट नॉर्थ पोल एक कॉन्सेप्ट है. जैसा कोई चार्ज होता है आपके पास क्यू कूलम, तो आप वन कूलम के चार्ज को यूनिट चार्ज बोलते हैं, क्यू कूलम का पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं. समझ में आ रहा है?
मैंने यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल कंसीडर किया। अब ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और यहाँ पे अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसको इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे रखा तो इसे यूनिट नॉर्थ पोल को इधर रिपेल करेगा, यहाँ पे रखा तो ये नॉर्थ पोल उसको इधर रिपेल करता और साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करता, और यहाँ पे रखा तो ये यूनिट नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल इधर अट्रैक्ट करता है। तो ये यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पे रखो तो ये इधर रिपेल करता है। इसका मतलब ये यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल होता है। यहाँ पे रखा यूनिट नॉर्थ पोल इधर रिपेल होता है, यहाँ पे रखो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो इधर रिपेल होगा और यहाँ पे रखो इधर रिपेल हो रहा है। तो यहाँ पे रखा तो इस डायरेक्शन से इस पाथ पे वो मोशन परफॉर्म करता है। यूनिट नॉर्थ पोल यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो तो इस डायरेक्शन से मोशन परफॉर्म, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा तो इस डायरेक्शन से इस पाथ पे वो मोशन परफॉर्म करता है। तो व्हाट आर दिस पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, समझा? पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट ए पॉइंट दैट वी कॉल एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलो मैम? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट ए पॉइंट अर्थात सराउंडिंग बार मैग्नेट दैट वी कॉल एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इस बार मैग्नेटिक तरफ आजू बाजू में ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की तरफ ट्रेवल होती है एक्सटर्नल, और इनसाइड द बार मैग्नेट बोला तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस, समझा? ये होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ। और इतने रीजन में अगर मैंने नॉर्थ पोल कहीं रखा तो इस किसी पाथ पे ही वो ट्रैवल होगा। इसके बाहर नॉर्थ पोल रखो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस बार मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने ही रीजन में वर्कआउट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग अ बार मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस देयर कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, वही मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल रखो तो वो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो यूनिट नॉर्थ पोल इधर रिपेल होगा, यहाँ पे रखो इधर अट्रैक्ट होगा, समझा? तो पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल when placed at a point in a magnetic field called the magnetic line of force। तो ये पूरा आपका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है सराउंडिंग बार मैग्नेट, और ये थी आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैंने पूछा व्हाट इज मीन बाय मैग्नेट, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बोलोगे द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है। क्या होती है मैम? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम आपको बताएं। सामने चलते हैं, मेरे पास बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसके सराउंडिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इसके सराउंडिंग उसका इन्फ्लुएंस है। अब नॉर्थ पोल से अगर आपने अभी बताया था
मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ पोल स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होती है एक्सटर्नली। और इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करो तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ट्रैवल। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रैवल होती है, अर्थात ये कॉन्सेप्ट है, कंसिडरेशन है। यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखो, इस पाथ पे ट्रैवल करेगा। तो ये पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थे। और ये इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है सराउंडिंग। और ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ किधर को ट्रैवल होती है, साउथ पोल एक्सटर्नल। और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, किधर से किधर होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मेरी बात समझा, हमेशा ध्यान में रखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टूअर्स द साउथ पोल, किसका भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये होता है आपका बार मैग्नेट एंड सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बताओ मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का है कि ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल का है, ये दोनों पोल का है। यहाँ पे आपने ऐसे भी करके रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये दो पोल ही कंसिडर करे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाइपोल, और अब बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलिए बेटे, टू पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। चलो ठीक, ये था बार मैग्नेट, उसका डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल एक्सटर्नल। गुड, क्या आप लोगों को कंडक्टर पता है? गुड, अब इस कंडक्टर से मैंने करंट पास कर, इसको बैटरी कनेक्ट कर दो, अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट पास होगा थ्रू द कंडक्टर। अभी आपने देखा था मैग्नेटिक नीडल या कंपास, ये था कोई मैग्नेटिक नीडल, ये था उसका नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। अब जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बोला, दिस वन, इसमें से करंट पास होगा, कंडक्टर था ही और करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उसके बाद जो ना मैंने एक कंपास रखा है, मैग्नेटिक नीडल रखा है। तो जब इसमें से भाई पहले समझो यहां पे एक स्विच रखा है और सर्किट इनकम्प्लीट है, स्विच ओपन है, तो मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज ऐसे पोजिशन पे होती है। इसका एक एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और एक एंड जियोग्राफिकल साउथ। और जब ये स्विच सर्किट कंप्लीट करा, स्विच ऑन किया होगा, पहले ऑफ था, अब इसमें से करंट पास होता है और ये मैग्नेटिक नीडल उसका जो नॉर्थ एंड था वो अब डिफ्लेक्ट होगा, तो इधर या फिर इधर, समझो ये डिफ्लेक्ट हुआ होगा इनवर्ड, उधर इधर की तरफ, इधर डिफ्लेक्ट होगा, अर्थात परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ द पोल, समझे। और आगे मैंने क्या करा कि ये जो टर्मिनल्स ऑफ बैटरी है चेंज कर दी,
हम इसमें से करंट पास होगा तो हम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर मतलब पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ करंट टू द कंडक्टर अगर आपने अपोजिट करा, चेंज करा, इन्वर्ट करा, अगेन मैग्नेटिक मिरर डिफ्लेक्ट होगा, उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। अभी मैग्नेटिक मिरर अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमको पता है इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमको पता है नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल अपने मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, सॉरी रिपेल करता है, और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे दूसरे किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो गए, समझे? क्लियर हो गया कि व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, ये अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका जो इन्फ्लुएंस है, दैट्स व्हाई ये मैग्नेटिक नीडल ये कंपास डिफ्लेक्ट होता है, उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है। फिर मेरे पास क्लियर हो गया, व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, इस एक्सप्लेन से क्लियर होता है। साइंटिस्ट थे हेनरी और स्टैट, और उनका एक एक्सपेरिमेंट था, कोई कंडक्टर है और इसमें से करंट पास हो रहा है, और ये था डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, अर्थात कंडक्टर ओवर द मैग्नेटिक नीडल, उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ एंड है। अब करंट में कैरिंग कंडक्टर है और उसके बाजू में मैग्नेटिक नीडल रखा है, जस्ट उसके नीचे में कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक नीडल है नीचे में, समझे? समझो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, यहां पे वेस्ट डायरेक्शन होगा या तो कुछ, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और हमको मालूम है कि नॉर्थ डायरेक्शन की राइट में ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा हो गया बेटा? साउथ टू नॉर्थ। और जैसे मैग्नेटिक नीडल के ऊपर करंट और उसमें से करंट पास करो कंडक्टर में से, मैग्नेटिक नीडल है कंपास, उसके ऊपर कंडक्टर रखा हुआ है और कंडक्टर में से करंट अलाउड टू पास, तो हमने अभी बोला व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग, और ड्यू टू दैट मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल अफेक्ट होगा, तो ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा। किधर डिफ्लेक्ट होगा? तो हेनरी ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, उसने ऑब्जर्व करा, ये नॉर्थ पोल जो है ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, किधर हुआ? टुवर्ड्स ईस्ट। अब नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो हमने अभी बोला था यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करता है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर उसका डायरेक्शन वाज ईस्ट था, ये मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स वेस्ट। और उसी एक्सपेरिमेंट में कंडक्टर वही रखो, अब ये मैग्नेटिक नीडल उसके ऊपर रखो, इधर डिफ्लेक्ट हुआ था नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक नीडल है अबाउट द कंडक्टर रखा हुआ है, अभी कोई करंट पास नहीं हो रहा है, उसका डायरेक्शन था ये सिंपल,
और जैसे इसमें से करंट पास करा तो बाय दिस फिनोमिना व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द स्टेट कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ये जो कंपास है इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स ईस्ट जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऐसे डायरेक्शन। अभी टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट हुआ और जब नीचे रखता है कंडक्टर के दिस मैग्नेटिक निडल तो टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट होता है समझे। इस पर से डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। मैंने क्या बोला कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कौन से डायरेक्शन में रखा है ऐसे और इसमें से करंट पास हो जब मैग्नेटिक निडल बिलो द कंडक्टर होती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स वेस्ट। समझा किधर डिफ्लेक्ट होती है टुवर्ड्स वेस्ट। और जब इसको रखते हैं अबाउट द कंडक्टर उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इसका डायरेक्शन यहां पे देखा तो इनवर्ट होगा और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है किधर होगा आउटवर्ड। धन्यवाद। इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसका डायरेक्शन यहां पे देखा तो इनवर्ड है अंदर की तरफ और यहां पे देखा तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है किधर होगा। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या मैंने बोला ये कंडक्टर राइट हैंड है और उसका स्ट्रेच थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर और ये कर्व फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा यानी ऊपर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे देखा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा अर्थात वही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिगर में बताया तो ऐसे होगा। तो मैं शॉर्टली बोलूंगा व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय द राइट हैंडेड थंब रूल अर्थात डायरेक्शन ऑफ या कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज अलॉन्ग द स्ट्रेच्ड थंब ऑफ द राइट हैंड then direction of magnetic field produced along the curved fingers in the direction of curved finger। जैसे कंडक्टर स्ट्रेट ये है और इसमें से मैंने करंट पास कर तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अर्थात एंटी क्लॉक। अब यही डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैं इन्वर्ट करता हूं समझा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सराउंडिंग इज गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन। समझा ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द स्टेट करंट प्रॉब्लम मैम तो धन रखो व्हाट इज राइट हैंडेड थंब रूल और क्या इसे स्क्रू रूल और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट द फिनोमेना इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड सराउंडिंग when electric current allowed to pass through the conductor that is the electromagnet। अब ये electromagnet जो है मतलब तो magnetic field है उसके direction के बारे में कोई problem। good तो कभी पूछा state and explain right handed thumb rule तो ये आपको लिखते आना चाहिए पूरा program
अभी तो शुरुआत है, जस्ट पढ़ो, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से मैंने करंट पास करा है, यहां पे दिख रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट के सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होगा, इस पूरे कंडक्टर के सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, पर मैंने बोला यहाँ पे अगर आपने कोई यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो इस पार्ट से मोशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे रखो इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करो, यहाँ पे रखा इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेगा, अर्थात इस डायरेक्शन। तो इस पूरे कंडक्टर के सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका शेप देखा तो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, किसके शेप में होता है, सिलेंड्रिकल घन। अब मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, रिंग होगा मेटालिक पार्ट, कॉपर का रिंग होगा सर्कुलर, और इसमें से मैंने करंट पास करा है, तो उसके इतने एलिमेंट में से करंट पास हो रहा है, इस एलिमेंट से करंट पास हो रहा है, इस एलिमेंट से करंट पास हो रहा है, इस एलिमेंट से भी करंट पास हो रहा है। अब इस एलिमेंट से करंट पास हो रहा है, दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग। तो अपना थंब स्ट्रेच करो आलम, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगा, ऊपर देखा तो इनवर्ड होगा और नीचे देखा तो आउटवर्ड होगा, तो यहां पे इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां का एलिमेंट कंसिडर करा तो ये था डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दिस वन, समझा भाई। ये कंडक्टर था और ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज यहां, और यहां पे कंडक्टर है और इसमें से करंट पास हो रहा है डीएल में से, तो यहां पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड सराउंड प्रोड्यूस होगा, और डायरेक्शन कौन से रूल से मिलेगी, राइट हैंडेड थंब, इसका डायरेक्शन होगा जस्ट क्लॉकवाइज। तो इस सेंटर में से जो फ्लक्स आएंगी वो कैसे आएंगी, यहां से आउटवर्ड, और यहां पे भी जो फ्लक्स आती है वो बाहर आती है उसी डायरेक्शन, समझा। ये जो सर्कुलर रिंग इसमें से करंट पास करो, समझा, हर एक एलिमेंट डीएल डीएल जो है अपने सराउंडिंग का प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स, तो इस पूरे रिंग के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये सभी फ्लक्स इस से पूरे अंदर का जो पार्ट है उसमें से बाहर आएंगे, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, किधर होगा, आउटवर्ड दिस सर्कुलर रिंग। इधर से देखा तो दिस सर्कुलर रिंग आउटवर्ड दिखेगी, और उधर से देखा अपोजिट साइड से तो सभी फ्लक्स आपके अंदर जाते हुए दिखती है, समझा। अब मैंने बताओ इस सर्कुलर रिंग में यहां पे देखा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर कमिंग आउटवर्ड दिखता है, और बाहर से देखा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर जाते हुए दिखेंगे इनवर्ड। अब ये मैंने बोला यहां का डायरेक्शन ऐसे है और यहां का डायरेक्शन ऐसे है, समझा। ये डायरेक्शन किसका होता है, नॉर्थ पोल किधर मोशन परफॉर्म करता है, टुवर्ड साउथ पोल, नॉर्थ पोल किधर मोशन परफॉर्म करेगा, टुवर्ड साउथ, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला तो नॉर्थ टुवर्ड साउथ होती है। इसका मतलब उसके उधर के साइड से देखा सरफेस पे तो नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पे देखा तो कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, साउथ पोल। तो कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, और थोड़ी सी शुरुआत थी, कल एक लेक्चर और इसका भेजूंगा, थोड़ी पढ़ाई करो, और कहीं आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाई करो, वैसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट।